गृह मंत्रालय जल्द ही सुरक्षा वेब पोर्टल शुरू करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वेब पोर्टल mysecurity.in शुरू करने का निर्णय लिया है। कोई भी व्यक्ति, कंपनी, एनजीओ या अन्य संस्था सुरक्षा संबंधित वेब एप्लीकेशन तैयार कर इसे वेब पोर्टल पर डाल सकती है। इस साल के बजट में स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर स्पष्ट स्वरूप सामने आ सकता है। शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना PPP मॉडल पर आधारित होगी। इस बारे में 2 दिवसीय चर्चा 30 जनवरी को शुरू होगी। केंद्र सरकार हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने और टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना में ओडिशा सरकार का पूरा सहयोग करेगी। इस बात की घोषणा केंद्रीय कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार ने भुवनेश्वर में हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के मौके पर की। शेयर बाजार हुआ मजबूत, सेंसेक्स 117 अंक बढ़कर पहली बार 29,000 से ऊपर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी करीब 32 अंक बढ़कर 8,761 अंक की नई ऊंचाई पर पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कुछ पत्रकारों से पूछताछ शुरू की है। इनमें वो लोग शामिल हैं जिनसे सुनंदा ने पिछले साल जनवरी में अपनी मौत से कुछ घंटे पहले बातचीत की थी। पुलिस सुनंदा की रहस्यमय मौत से पहले के घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने के लिए ये पूछताछ कर रही है। देश के कई हिस्सों में हुई बारिश और हिमपात से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजधानी समेत देश के कई अन्य क्षेत्रों में लोग कड़ाके की सर्दी का सामना कर रहे हैं। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी ने लोगों को ठंड से ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ समय में ठंड में और इजाफा होने की उम्मीद है।